가게 되는 거예요. 아. 빠지 빠지 가죠. 빨리 한번 해도 비교. 아니 아니. 사실 갈 빠지. 빠지. 아니 아니. 아니 빠지 하자. 자, 봐. 아니 빛에. 나일로 와요, 근데. 아니. 아제 드리에. 아. 빨리 하세요. 빨리 하세요. 아니 아니. 아니. 아주 스타럽. अपना फोटो करो, इनवाइट कर लो। हाँ जी, जीना पीछे हो जाओ। और लोग कम है पीछे 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 लाइन में रहो, लाइन में सब कवर कर लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लाइन पे ले ले उठो बेटा उठा बेटा ले बेटा चलो आ रहा है पूरे हेलो भाई।
साइड में ले लो, साइड में ले लो, काम हो रहा है। लो 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 ले लो बेटा ले लो लड़ मत इससे लड़ मत लड़ इससे रो के थोड़ा साइड हो जाओ जिन गाड़ी आ रही महाराज फैशन की जरा से गुजर रहा है पूरे हिंदुस्तान में। एक बात तो बहुत जोर शोर से कही जा रही है, मीम तक बन रहे हैं। किसी के ऐसी कौम है जब भी किसी चीज की हिंदुस्तान में कमी पड़ी उन्होंने लंगर जारी कर दिया, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे ऑक्सीजन इंटरवल। आप कहां से इंस्पायर होते हैं? मैं खुद बिलोंग टू अ सिख फैमिली और मैं बहुत मुझे प्राउड फील होता है कि मैं उस कम्युनिटी में पैदा हुआ हूं। और आप यकीन माने सिर्फ 1% है पूरे वर्ल्ड में, और हमें सिखाया यही जाता है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबदा भला, सबका भला होना चाहिए। जब भी हमारी अरदास भी होती है लंगर से पहले हर गुरुद्वारे में, तो उसमें पहले ही अनाउंस किया जाता है कि प्रेयर में कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबदा भला, सबका भला हो। क्योंकि ये टाइम इतना ख़राब चल रहा है आज की डेट में, आपको सबको ही पता है। और हर सर्कल में, मतलब मेरे रोज के सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में 5 डेथ्स रोज हो रही हैं। रोज 5 लोग मर रहे हैं कोविड से। और चाहे वो कोई बहुत बड़ा अमीर हो, पावरफुल हो, नेता हो, अभिनेता हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको ही भगवान ने एक बार नो दिखा दिया कि भगवान भगवान होता है। तो दो ही चीज़ें काम आती हैं, प्रेयर्स या फिर आप अगर सेवा करें, सोशल वर्क करें, जिसमें मैं चाहता हूँ जो भी आप कर सके। जैसे मेरी एक एनजीओ है डिवाइन टच, पिछले 10 साल से मैं हमारी एनजीओ चल रही है, लेकिन रोज़ 1000 लोगों का खाना बन रहा है दिल्ली और गुड़गांव में। आज से हम यहाँ भी शुरू कर रहे हैं, आज हमारा पहला दिन था। एंड आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस अच्छे कार्य के लिए साथ जुड़े हैं। और मेरा यही मैसेज है कि अगर आप सभी लोग अपने अपने घरों में से चाहे एक रोटी बना दें, और वो हमारा जो यहाँ पे महाड़ा में जो ऑफिस है वहाँ पे आप डोनेट कर दें, बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। जैसे आज 1000 है तो मैं कहता हूँ 5000 एक सेकंड में हो जाएगा।
बॉलीवुड एक इतना बड़ा, जब भी कुछ होता है कोई भी बात कहीं भी कही जाती है लोग ट्विटर का सहारा लेते हैं, रिएक्ट करते हैं, बोलते हैं, लेकिन जब जरूरत की वक्त जब बोलना चाहिए, जो आज हालात हैं, ऑक्सीजन नहीं है, लोग रोड पे मर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर फीमेल सब इंस्पेक्टर का हस्बैंड उसकी गोद में मर रहा है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं है, तब कोई ट्विटर बाजी नहीं हो रही है, कोई कह नहीं रहा है कि हम देश के हमारे, जैसे रिहाना ने ट्वीट किया था उसके बाद इतना बवाल हुआ, लेकिन अब बाकी के जितने बुद्धिजीवी जिन्होंने ट्वीट किया था वो सब शांत थे इस बारे में। मेरा सिर्फ देखो, बॉलीवुड को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बट समवेयर कई लोग तो बहुत सामने से आके हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, सबको पता है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ यही बिलीव करते हैं कि उनको यू नो 2-2 लाख के शूज़ पहनने हैं, बड़ी बड़ी वॉच पहननी है, पहनो, अगर हमें अच्छी भगवान ने लाइफ दी है वी हैव टू एंजॉय। बट अगर 2 लाख में से अगर आपका सिर्फ 1,000 या 500 आप डोनेशन दे देते हो रोज़ की, होता क्या हर लोग सोचते हैं कि डोनेशन बहुत मुश्किल चीज़ है, कि चैरिटी करनी है और तो आपको लाखों रुपये ही देना पड़ेगा, नहीं, आप 1 रुपया ही दे दो, आप सोचो मैंने रोज़ 1 रुपया देना है, वो भी साल का बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो समवेयर मैं हैरान हूँ कि बहुत सारे एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, जिनको बहुत शौक है, आजकल इंस्टा आप खोलोगे तो एक ही चीज़ नजर आती है, जब से मैंने गलती करी है रेंज रोवर लिए, हर इंसान रेंज रोवर लेता है या शूज़ पहनता है या लेविश लाइफ दिखाता है, दिखाओ। पर साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बहुत बुरा टाइम है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा ही करो यार, 500 कर दो, 100 कर दो, 50 रुपीज़ कर दो। 50 रुपीज़ में भी आप सोचो कि 1 किलो चावल आते हैं तो बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है, 4 फैमिलियाँ 1 किलो चावल खा सकती हैं। तो बस मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऐसे मौके पर सामने आएँ, और ज़रूरी नहीं कि आपको किसी एनजीओ को डोनेशन करनी है, आप अपने मन में ठान लें यार कि मैंने एक एरिया या एक फैमिली या एक बच्चे को ही सपोर्ट करना है, बिलीव करो बहुत सारा सुधार हो सकता है। आखिरी 2 सवाल, जैसे आपने कहा जो प्रिविलेज है जी, जैसे आपने अभी जिक्र किया रेंज रोवर ली तो बहुत लोगों ने रेंज, हाँ, प्रिविलेज होने का मतलब ये भी तो है कि आप गिवर रहे हैं, देने वाले बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहता हूँ कि जब आपको सोसाइटी ने आपको इतना कुछ दिया है, खास करके मुझे तो इतना कुछ दिया है, हालांकि मेरी औकात से बढ़कर दिया है, मैं एक साइकिल पे घूमने वाला एक आम लड़का था, 200 रुपये का साइकिल था, वो भी मेरा सेकंड हैंड होता था, बट आई वॉज वेरी हैप्पी। आज भगवान ने इतना कुछ दिया है और मेरे फैंस ने इतनी ब्लेसिंग्स दिए हैं, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि जो सोसाइटी मुझे देती है वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो बस यही मैसेज है कि आप प्लीज़ सारे जुड़ें, उसमें ये नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड है, सारे लोग आप जुड़ें। आप सोच रहे हैं हमें 1 रुपया ही देना, तब भी यार महीने का 30 रुपया हो जाता है, 30 रुपये में बड़ा कुछ हो सकता है। सिर्फ सोच पैदा करनी है आपको, स्पेशली इस मौके पर, इस जो हालात इतने ख़राब है कि दिल्ली का तो बहुत ही बुरा हाल है, मुंबई फिर भी पहले से कंट्रोल है, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा करके जुड़ जाएं, जैसे आज मेरे दोस्त हैं मनिंदर सिंह बिट्टा, मनिंदर सिंह सिरसा साहब जो हैं दिल्ली से हैं, उन्होंने 100 बेड अरेंज करे हैं और हॉस्पिटल बनाया है बहुत बड़ा, दिखाने के लिए नहीं, करने के लिए। उसके अलावा खालसा एड है जो लंगर पे लंगर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, उन्होंने मोर देन 6,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स बांटे हैं। देन यूनाइटेड सिख हैं, तो ये सारी जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वही आगे बढ़ के आ रहे हैं, और हमारा तो सबसे प्यार है, हम सबको प्यार करते हैं, सभी धर्मों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट इस टाइम हमें बहुत ज़रूरत है, आप ज़रूर सारे सपोर्ट करें और सोचें। आखिरी सवाल, जो ट्विटर पे सिर्फ ट्विटरबाजी करते हैं, हाँ, बयानबाजी करते हैं, ग्राउंड पे आके लोगों की मदद नहीं करते हैं, यकीन क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, यकीन मानो पिछले जब भी किसान भाइयों को जरूरत पड़ी थी, किसान का मतलब सिर्फ पंजाब नहीं होता, किसान का मतलब पूरा हिंदुस्तान में जितने भी किसान हैं, उनको जब ज़रूरत पड़ी थी, मैंने कम से कम 20 ट्रक्स भेजे थे मैंने भर के, और मैंने कहीं दिखाया नहीं है, हाँ मेरी डिवाइन टच ने उसका जिक्र ज़रूर किया होगा, बट बहुत सारे लोग हैं ट्विटर पे ही, उनको मज़ा आता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, मुद्दा उठाना है, भाई जो ज़रूरत है आप ट्विटर पे मत दिखाओ, आप सामने आके या छुप के हेल्प करो। जब भी कोई पंगा पड़ता है तो सिर्फ ट्विटर पे हो जाता है, और देश के लिए कोई किसी को लेना देना, तो मेरा यही सबसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ सपोर्ट करें, और ये बयानबाजी आप ट्विटर पे ना रखें, इंस्टा पे ना रखें, बल्कि हेल्प करें। किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, वो कहाँ पहुँचा, कहाँ तक जाएगा? देखो मुझे पूरी उम्मीद है सरकार निर्णय लेगी, बिकॉज सरकार से बढ़ के कोई नहीं है, मैं सरकार से बड़ा नहीं हूँ, मेरे से बहुत बड़े बड़े समझदार लोग ऑलरेडी सरकार चला रहे हैं, सो ये मुद्दा जल्दी ठीक होना चाहिए। और सबसे पहले तो ये है, आज की डेट में लोग कोरोना से नहीं भूख से मर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, कोई भी फेक एनजीओ खोलता है तो सीधा ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड करता है, जो मर रहे हैं उनको तो हम बचा नहीं पा रहे, लेकिन जो जिंदा है आज आपने रोड पे देखे हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा, कि वो जो बच्चे बेचारे हैं उनको भी खाना चाहिए, जो बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत सारे मजदूरों के पास काम ही नहीं है,
पीने के लिए पानी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, एक रोटी भी नहीं है। तो अगर हम जो बेचारे बचे हैं उनके बारे में भी ज़रूर सोचें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी का, वंस अगेन थैंक यू। पकड़े ले, पकड़े।